हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बबली। आपका स्वागत करती हूं बबली किचन में। देखिए फ्रेंड्स, कितना जूसी है ये मिठाई, पूरा रस से भरा हुआ, ऊपर से थोड़ा क्रिस्पी और अंदर से जूसी, बहुत टेस्टी लगती है ये मिठाई। और ये एक बंगाली स्वीट है, इसे गोजा भी कहते हैं, और ये बहुत आसानी से बन जाता है। तो आइए ये टेस्टी मिठाई बनाना शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं, और इसके साथ ही आपको तीन ऑप्शन दिखेंगे, तो सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन है ऑल वाला, वो टच करें, जिससे कि मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको। तो फ्रेंड्स, ये मिठाई बनाने के लिए सबसे पहले हम डो बनाएंगे। तो 2 कप मैंने यहाँ पे मैदा लिया है, और वेट में ये 400 ग्राम है। आप किसी बॉल से भी मेजरमेंट कर सकते हैं। तो मैं सॉफ्ट और रसीला मिठाई बनाऊंगी, इसलिए मैं यहाँ पे 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा। अगर आपको उतना जूसी नहीं चाहिए तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। और 2 पिंच मैं यहाँ पे नमक डाल रही हूँ, इससे टेस्ट बहुत ही ज़्यादा लाजवाब आएगा। फ्रेंड्स, 1/2 कप से 2 टेबल स्पून कम मैंने यहाँ पे देसी घी लिया है, और इससे हम मोयन देंगे। तो थोड़ा सा घी मैं बचा रही हूँ, अगर ज़रूरत होगा तो हम डालेंगे। तो अच्छी तरह से इसको मसलते हुए हम इसमें मोयन देंगे, जिससे कि हमारी मिठाई बहुत क्रिस्पी बनेगी। तो फिर से मैं आपको बता रही हूँ फ्रेंड्स, अगर आपको ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी नहीं चाहिए तो आप बेकिंग सोडा ना डालें, सिर्फ ये मोयन देने से ही हो जाएगा। तो इसको ऐसे मसलते हुए देना है मोयन। और जो बचा हुआ घी था मैं वो भी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा ठीक से बाइंड नहीं हो रहा है। तो 1/2 कप से 2 टेबल स्पून कम घी इसमें इस्तेमाल हुआ है। तो आप इसमें रिफाइंड ऑयल ना डालें, घी से ही ज़्यादा टेस्ट अच्छा आएगा। तो आप देख सकते हैं अच्छी तरह से ये बाइंड हो रहा है, इसका मतलब ये मोयन हो चुका है। तो अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक सख्त डो बनाना है हमें। तो टाइट डो बनाना है, इस बात का ध्यान रखेंगे, इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा 2-2 चम्मच के बराबर पानी डाल के ही डो बनाते जाएंगे। और बहुत अच्छी तरह से इसको मसलते हुए डो नहीं बनाना है, हल्के हाथों से बस इसको ऐसे हम इकट्ठा कर देंगे डो की तरह। तो देखिए, मैंने इसको चिकना नहीं किया है, बस इकट्ठा कर दिया है। तो इसको ढक के हम 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे, तब तक हम चाशनी बना लेते हैं। और डो बनाने में 1/2 कप पानी इस्तेमाल हुआ है। चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कप चीनी लिया है, और वेट में ये 400 ग्राम है। और जिस बर्तन से हम चीनी लेंगे उससे 1/2 हमें पानी डालना है, 1/2। तो 1 कप मैं पानी डाल रही हूँ, 2 कप चीनी में 1 कप पानी, और इसका एक चाशनी बनाएंगे। तो फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है और इसको मिक्स कर लेते हैं। तो चीनी पहले हम मेल्ट होने देंगे, उसके बाद हम चाशनी कैसा बनाना है हम बताएंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं चीनी मेल्ट हो चुका है। तो कुछ मैं केसर के धागे इसमें डाल रही हूँ, 10 से 15, ये ऑप्शनल है, इससे कलर अच्छा आता है। आपके पास है तो डाले, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना सुंदर कलर आ गया है। तो 5 मिनट इसको हम ऐसे ही लो टू मीडियम फ्लेम पे पकने देते हैं। 5 मिनट पक चुका है, तो अब इस स्पैचुला में थोड़ा सा लेके हम चाशनी को चेक करेंगे, ठंडा होने देते हैं। और ठंडा हो चुका है, तो ऐसे उंगलियों के बीच में आप जब चिपकाएंगे तो देखिए तार नहीं बन रहा है, तार नहीं बनाना है हमें, बस ये चिपचिपा सा है, हल्का सा हाफ तार बन रहा है बस। तो हमें इतना ही रखना है, तो फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। और ठंडी होके चाशनी में चीनी ना जमे, क्रिस्टलाइज ना हो, इसके लिए 1/2 टीस्पून नींबू का रस डालेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी चाशनी रेडी है, अब इसको हम ढक के रख देते हैं साइड में। और 10 मिनट हो गया है, तो हमारा डो भी सेट हो गया है। और आप देख सकते हैं इसको मैंने बिल्कुल भी चिकना नहीं गूंदा था, एकदम ही बिखरा बिखरा सा है। तो एक बार इसको हम मिक्स कर लेंगे, जिससे कि ये अच्छी तरह से इकट्ठा हो जाए। और दोनों हाथों से इसको मिलाते हुए हम बड़ा सा एक चिकना बॉल बनाएंगे, क्योंकि हमें अब मिठाई का शेप देना है। तो हमें रोल बस हाथों से ही फ्लैट करना है, बेलन का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। आप चाहें तो बेलन से हल्का सा कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैं कर रही हूँ, हाथों से दबाते हुए चौकोर शेप देंगे, जिससे कि हमें काटने में आसानी होगा। तो ऊपर से बराबर करने के लिए एक बार हल्का सा मैं बेलन चला रही हूँ, और इसके बाद हम बर्फी की तरह
चौकोर चौकोर छोटा छोटा पीस कट कर लेंगे एक बराबर, और साइड्स को हम निकाल लेते हैं। और आप देख सकते हैं कितना सुंदर ये पीस कटा है। तो इतना पतला हमें रखना है क्योंकि ये फ्राई करने के बाद और फूल के डबल हो जाएगा। तो सारे पीस को हम निकाल लेते हैं और जो बचा हुआ है इसको भी बेल के बना लेंगे। गजा को फ्राई करने के लिए हमें हल्का गर्म ऑयल चाहिए, तो थोड़ा सा डो डाल के हम चेक कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये उठ के ऊपर नहीं आ रहा है, बस हल्के हल्के बबल्स आ रहे हैं। तो ये एकदम परफेक्ट है, हमें एकदम हल्के गर्म में ही फ्राई करना है, तभी ये मिठाई एकदम परफेक्ट बनेगा, एकदम फूला फूला सा बनेगा। तो अब हम गजा के पीस को इसमें डालेंगे एक बार में, जितना हो सके 5 से 6, और इसको ऐसे लो फ्लेम पे ही फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट फ्राई होने के बाद ही आप देख सकते हैं ये साइज में एकदम डबल हो चुका है। तो फ्रेंड्स, हमने जो बेकिंग सोडा डाला है उसकी वजह से ये बहुत हल्का बनता है, और उसकी वजह से ही ये साइज में इतना फूलता है। तो हल्के हाथों से इसको हम पलट देंगे और लो फ्लेम पे ही हम क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। तो शुरू में लो फ्लेम रखना है, लेकिन 5 से 10 मिनट के बाद हम फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, मीडियम करेंगे और कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। और जो इसमें क्रैक्स आ रहे हैं इसी के वजह से ये बहुत जूसी बनता है और क्रिस्पी बनता है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा कलर आ गया है। तो फ्रेंड्स, इसको हम निकाल लेंगे। तो निकाल के एक्स्ट्रा ऑयल सारा निकाल ले रहे हैं और डायरेक्ट इसे हमें चाशनी में ही डालना है। चाशनी थोड़ा गर्म है और गजा को इसमें हम डालेंगे और 1 से 2 मिनट इसमें हम अच्छी तरह से डुबा के छोड़ देंगे, जिससे कि अंदर तक चाशनी चला जाएगा। तो इसको ऐसे ही हम छोड़ देते हैं और दूसरे शिफ्ट को भी फ्राई कर लेते हैं। तो दूसरे शिफ्ट को फ्राई करने से पहले हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे क्योंकि ऑयल गर्म हो चुका है और हमें फिर से हल्के गर्म में ही फ्राई करना है। और इधर 2 मिनट हो गया है, तो गजा भी अच्छी तरह से चाशनी को एब्जॉर्ब कर लिया है। इसको निकाल लेते हैं और आप देख सकते हैं ये कितना जूसी दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट। तो फ्रेंड्स, इसको हम निकाल लेंगे। ऑयल ठंडा हो चुका है, तो फिर से फ्लेम को ऑन करके लो फ्लेम पे हम सेकेंड बैच को भी फ्राई कर लेंगे। तो सेम उसी तरीके से हमें करना है, शुरू में 5 से 10 मिनट लो फ्लेम, फिर फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा के क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है, और इसके बाद चाशनी में इसको डालना है। अगर चाशनी ठंडा हो जाए तो थोड़ा सा आप गर्म कर लें। तो फ्रेंड्स, हमारा एकदम बहुत ही टेस्टी और जूसी और क्रिस्पी गजा बन के तैयार हो गया है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कितना सॉफ्ट और जूसी है। तो फ्रेंड्स, मैंने सॉफ्ट वाला गजा बनाया है। अगर आपको सॉफ्ट नहीं चाहिए, क्रिस्पी ही चाहिए, तो आप बेकिंग सोडा ना डालें। और बहुत ही ज़्यादा लाजवाब बना है ये। क्रैक्स आप देख सकते हैं, क्रैक्स की वजह से ही जूस एकदम अंदर तक जाता है। तो आपने देखा ये कितना सुंदर, यम्मी और टेस्टी दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, इसे आप ज़रूर ट्राई करें, मुझे उम्मीद है अच्छा लगेगा। और अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स देके ज़रूर बताएं। फिर से मिलते हैं, बाय बाय।